الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات بيت محمد. اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ آیا کرتے ہیں. کبھی انسان صحت میں ہے تو کبھی مرض میں ہے، کبھی دولت میں ہے تو کبھی غربت میں ہے، کبھی سفر میں ہے تو کبھی حضر میں ہے، کبھی خوشی کے ایام ہیں تو کبھی غم میں ہے. یہ اس دنیا کا نظام ہے، اس دنیا کا سسٹم ہے، اور ہر انسان ان تمام چیزوں سے دوچار ہے. کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ہماری زندگی کے سارے دن برابر ہیں، بلکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. انسان کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور اس جلد بازی کی بنیاد پر کبھی کبھی انسان اپنا کام بگاڑ لیتا ہے. مرض ہوتا ہے، جلد بازی کی بنیاد پہ اور بھی اس میں اضافہ کر لیتا ہے. غربت ہوتی ہے، جلد بازی کے چکر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب ان موقعوں کے اوپر کیا کیا جائے. ایسے اگر موقع آ جائیں، انسان مریض ہو جائے، انسان غریب ہو جائے، انسان مشکل میں آ جائے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بہت سے حل قرآن مجید نے اور معصومین نے بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک چیز ہے دعا. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. انسان دعا کرے،
दुआ का मतलब क्या है? दुआ का मतलब खाली ये नहीं है कि हम नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद बस या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ये दे दे वो दे दे और करके बस ख़त्म कर दिया। दुआ, दुआ के शरायत हैं, और इसी के साथ साथ दुआ जो मासूमीन ने तालीम दी हैं और खुसूसन इंसान के दिल से निकली हुई दुआ, क्योंकि दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक राज होता है, एक गुफ्तगू होती है, कलाम होता है जो इंसान और बंदे के दरमियान में होता है। और इस दुआ में असर उस वक्त और भी ज़्यादा हो जाता है जब इस दुआ को जो ये कर रहा है उसके और अल्लाह के अलावा कोई ना जाने कि वो क्या कह रहा है, वो क्या मांग रहा है, वो क्या चाह रहा है। क्योंकि जब बंदा और अल्लाह उसके दरमियान में जब राबिता होता है और उसके अलावा किसी को खबर नहीं होती है, तो ये अलामत होती है कि बंदे का एतबार अल्लाह के ऊपर कितना है कि इसने किसी से नहीं कहा। इसको प्रॉब्लम थी, मुश्किल थी, हालात से दो चार हुआ, मरीज हुआ, गुर्बत का शिकार हुआ, लेकिन इसने किसी से, अपने दोस्त से नहीं कहा, अपने अजीजों से नहीं कहा, किसी इंसान से नहीं कहा, किसी बड़े आदमी के पास नहीं किया, बल्कि ये मुसल्ला बिछा के और बस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया कि माबूद तेरे अलावा कौन है मेरा। ये चीज़ जो है ना, ये खुद बंदे का अल्लाह के ऊपर एतबार, बंदे का अल्लाह के ऊपर यकीन। और अल्लाह खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हसबुह, जिसने भी अल्लाह के ऊपर एतबार कर लिया बस अल्लाह उसके लिए काफी हो गया। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर एतबार हो गया है अल्लाह ताला के ऊपर, उसके और बंदे के दरमियान में जो गुफ्तगू हो रही है, और ये इस बात की अलामत है कि बंदे का अल्लाह पर एतबार है, अल्लाह के ऊपर यकीन है। जब बंदा अल्लाह के ऊपर यकीन करता है तो यकीन जानिए कि अल्लाह उसे तनहा नहीं छोड़ता है, अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता है। उस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई जरिया और कोई ना कोई रास्ता बंदे को दिखाता है। अब जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने कहा, सबसे अहम यही होता है कि इंसान खुद अल्लाह से राबिता मजबूत करे, और जो दिल से निकली हुई दुआ होती है इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन इससे कहीं बेहतर यह है कि जाहिर सी बात है कि हम क्या, और हमें न दुआ का सलीका आता न दुआ का तरीका। यह तो मासूमीन अलैहिस्सलाम का सदका है कि उन्होंने हमको दुआ का सलीका और तरीका सिखाया और बताया कि दुआ की कैसे जाती है, दुआ मांगी कैसे जाती है, और दुआ में क्या मांगा जाता है और कैसे मांगा जाता है। आज शबे जुमा है, आप इसी दुआ कुमैल को उठाकर देख लीजिए। इसी दुआ कुमैल में अमीरुल मोमिनीन ने हकीकत में दुआ करने का सलीका सिखाया है, दुआ का तरीका बताया है। और है भी यही, अगर आप दुआ के शराइत उठाकर देखें तो आपको दुआ के शराइत में मिलेगा कि इंसान पाक साफ हो, इंसान तहारत से हो, इंसान वुजू या गुस्ल से हो, इंसान क़िबले की तरफ रुख किए हुए हो, इंसान दुआ करने से पहले सदका वगैरह दे दे, उसके बाद फिर जब दुआ करना, दुआ के लिए बैठे, सबसे पहले अपने गुनाहों का और अपनी कमज़ोरी का एहसास करे कि वो नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके पास जो कुछ है वो सब उसी का दिया हुआ है, बाकी वो कुछ नहीं है। अपनी कमज़ोरी का एहसास करे, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करे, अपने गुनाहों का इकरार करे कि माबूद हमने ये गुनाह किए हैं, हमने तुझे नाराज़ किया है, हमने तेरे अर्श को हिलाया है, मैं तेरी बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ, आया हूँ, माफ़ कर दे, बख्श दे, हमसे दरगुजर फरमा। फिर उसकी तारीफ शुरू करे अल्लाह ताला की, अपने गुनाहों की
तरफ मुतवज्जे और उनके इकरार को उसकी तारीफ करे, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू तो करीम है, तू तो बख्शने वाला है, तू तो अता करने वाला है, तू तो रहम करने वाला है, उसकी तारीफ शुरू करे। ये दुआ के शरायत में है। और फिर उसकी तारीफ करने के बाद फिर जाके अपना मुद्दा बयान करे कि अब वो कहना क्या चाहता है। माबूद, ये हमारा इल्तिमास है तेरी बारगाह में, हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये दुआ है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो जब बंदा अल्लाह ताला की जात के ऊपर किसी काम को छोड़ता है, उसकी जात के ऊपर यकीन करता है और रखता है, तो फिर अल्लाह उसकी जात के लिए काफी हो जाता है। और यही चीज आपको अंबिया और मुरसलीन और अइम्मे अथहार अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में नजर आएगी। वरना जाहिर सी बात है कि अइम्मा अलैहिस्सलाम अहले बैत इस्मत तहारत जिन आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजरे, यहां तो अगर छोटी सी भी आजमाइश हो जाए तो हम टिक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, इधर से उधर बहकने लगते हैं। लेकिन जो आजमाइशें और जो इम्तिहानात अंबिया ने दिए, जो आजमाइशें और जो इम्तिहानात अइम्मा अलैहिस्सलाम के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतने आजमाइशों और इम्तिहानों के बावजूद, वो कौन सी चीज थी कि जैसे जैसे आजमाइशें हो रही थी, इम्तिहान हो रहे थे, उनके जैसे कि और उसमें यकीन में इजाफा हो रहा है। अगरचे अंबिया अलैहिस्सलाम में जनाब दाऊद के लिए कहते सब कुछ चला गया था, शैतान को हसद पैदा हुआ था और खुद शैतान ने चैलेंज किया था, अल्लाह ने कहा कि ठीक तू चैलेंज कर रहा है तो देख ले, सब कुछ चला गया था जनाब दाऊद का। जनाब अय्यूब, सब कुछ चला गया था, सेहत थी सेहत चली गई, दौलत थी दौलत चली गई, औलाद थी औलाद चली गई, भेड़ बकरियां थी वो चली गई, खेती थी वो बर्बाद हो गई, सब कुछ। यहां तक कि जनाब अय्यूब मरीज हो गए, और जनाब अय्यूब जब मरीज हुए तो जाहिर सी बात है कि सेहत में दौलत में सब साथ देते हैं, लेकिन गुर्बत में और मर्ज में कौन साथ देता है। एक अकेली जौजा थी कि वो साथ में थी, शैतान ने सोचा कि हर तरीके से इनको बहकाना चाहा, लेकिन ये आए नहीं गिरफ्त में, अब क्या किया जाए, अब किया गया। अल्लाह ने पहले ही कहा था कि तू मेरे मुखलिस बंदों के करीब नहीं जा सकेगा, उनको नहीं बहका सकेगा जो मेरे मुखलिस बंदे हैं। उसने ये जो तरीका था, ये जरिया था जनाब अय्यूब की जौजा वाला, इसको आसान समझा, जनाब अय्यूब की जौजा के पास आया और निहायत ही हमदर्दाना अंदाज में, क्या दौलत थी, क्या शौकत थी, क्या शान थी, क्या सेहत थी, क्या खूबसूरत थे, देखो आज सब कुछ चला गया। अभी जा रहे जनाब अय्यूब के जोजा ने कहा कि ठीक है, हाँ था तो सब कुछ, लेकिन अब आज नहीं, क्या करें। कहा नहीं, बहुत आसान तरीका है, सब कुछ वापस आ जाएगा। जाहिर सी बात है, औरत के सामने ऐसी बात कह दी जाए कि बहुत आसान है सब कुछ वापस आ जाएगा, फौरन क्या क्या क्या, कहाँ कुर्बानी करो वापस आ जाएगा सब। अच्छा, कुर्बानी करने सब कुछ वापस आ जाए, हाँ कुर्बानी करो वापस आ, लेकिन उसमें शर्त है। ये शैतानत थी, ये थी शैतानत, उसमें शर्त है कि जब कुर्बानी करे तो उस पर अल्लाह ताला का नाम न लें, बगैर उसके नाम की कुर्बानी करें। अब जनाब अय्यूब की जौजा वो बेचारी समझ नहीं सकी, उन्होंने आके जनाब अय्यूब से कह दिया कि इतना सब कुछ था और चला गया। जनाब अय्यूब ने कहा कि था तो शुक्र था, नहीं है तो शुक्र नहीं है तो शुक्र। कहा नहीं, अभी एक साहब मिले थे और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ वापस आ जाएगा और उनसे कहो कि कुर्बानी करें। जनाब अय्यूब ने कहा बिल्कुल, कुर्बानी बहुत ही अल्लाह पसंद अमल है, करना चाहिए, करो कुर्बानी, दो कुर्बानी। लेकिन कहा कि नहीं, उसने एक चीज़ और बताई है, उसने कहा है कि जब कुर्बानी करें तो अल्लाह ताला का नाम न लें। बस जनाब अय्यूब समझ गए, कहा तू नहीं बोल रहा है, तेरी जबान से शैतान बोल रहा है, तू नहीं बोल रही है, तेरी जबान से शैतान बोल रहा है, मैं मुझे कह रही है मैं कुर्बानी करूं और अल्लाह ताला का नाम न लूं ज़िबह करते वक्त। इस हराम को अंजाम दूं, चली जाए मेरे पास से,
जनाबे एक अकेली सौजा वो भी चली गई जनाबे अयूब के पास से, कोई नहीं था। बस मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा था, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बो, कि जो भी अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करता है तो अल्लाह कैसे उसके लिए काफ़ी होता है। वरना ऐसे मौके के ऊपर इंसान सोचता कि अकेली सौजा हमारी तीमारदारी के लिए चली गई तो हमारा खाने क्या होगा, पीने क्या होगा, दवा क्या होगा, इलाज का क्या होगा, इसका क्या, कौन उठाएगा, कौन बिठाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज़ की फिक्र नहीं। जनाबे अय्यूब ने कहा चली जाओ मेरे पास से। और फिर जनाबे अय्यूब ने नजर मानी, कसम खाई कि अगर मैं अच्छा हो गया तो इस जुर्म में तेरे 100 कोड़े लगाऊंगा। और जनाबे अय्यूब अच्छे हो गए। अच्छे क्यों हुए? अल्लाह ताला की जात के ऊपर भरोसा और यकीन। अगर अपना राज किससे कहा? अल्लाह से। मुद्दा किससे बयान किया? अल्लाह से। जब जनाब अय्यूब की सौजा भी चली गई, अब जनाब अय्यूब अकेले हैं, कोई नहीं है। कुरान मजीद ने इस वाक़े को नकल किया है, जनाब अय्यूब की ज़बान पर एक जुमला आया, ये जुमला भी कुरान मजीद मौजूद है, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, माबूद मुझे बीमारियों ने छू लिया है, मुझे तकलीफ़ों ने घेर लिया है, तू अरहमुर राहिमीन है। बस इतना जुमला जबान पर आना था कि फौरन कुदरत की तरफ से जनाब जिब्राइल नाजिल हो गए, अय्यूब पैर हटाओ। जनाब अय्यूब ने पैर हटाया, जैसे ही पैर हटाया वहां से चश्मा उगला पानी का, बेहतरीन ठंडा मीठा पानी, अय्यूब इसमें गुस्ल करो। जनाब अय्यूब ने गुस्ल किया, जैसे ही गुस्ल किया गई हुई सेहत वापस, गई हुई सेहत वापस आ गई। तो अजीजाने मोहतरम, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि दुआ, दुआ की शरायत हैं दुआ के, और असल चीज दुआ में है खुद अल्लाह ताला की जात के ऊपर भरोसा, अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन। और जब यकीन के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता है। और जनाब अय्यूब की इतनी सख्त आजमाइश और इम्तिहान हुआ, लेकिन इसके बावजूद देखिए आप भरोसा देखिए अल्लाह ताला की जात के ऊपर, यकीन देखिए। और यही चीज आपको खुद अहले बैत इस्मत तहारत क्या नजर आएगी, क्या उनसे सख्त इम्तिहान कोई देगा? लेकिन वो कौन सी चीज थी कि इन इम्तिहानों के बावजूद और आजमाइशों के बावजूद चेहरे खिले हुए हैं, हशाश बशाश हैं, सख्तियां हैं, तकलीफें हैं, नजरबंद हैं, घर खाना कैद हैं, इसके बावजूद हशाश बशाश, ये कौन सी चीज थी? ये था अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन, अल्लाह ताला की जात के ऊपर भरोसा। और यही चीज करबला में दिखी है। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं कि करबला में आशूर के दिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था, इमाम हुसैन का चेहरा और खिल रहा था। किसी के घर एक मैयत हो जाती है, चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा खिलता नहीं है। जिस घर से मैयत उठती उसका चेहरा खिला हुआ नहीं होता, मुरझाया हुआ होता है। सूरज से पता लगा लेता है इंसान किसके यहां गम है। लेकिन करबला में इमाम हुसैन लाशों पर लाशें उठा रहे हैं, असहाब के लाशें, अंसार के लाशें, यहां तक कि गोद के पालों की मैयतें, और इन गोद के पालों की मैयतों को इमाम उठा रहे हैं और एक एक करके खैमे में ला रहे हैं। अज़ादारो, बस एक जुमला और ख़त्म, और दुआ शबे जुमा है। कहते हैं कि वो चेहरा कि जो सुबह से लेके और जोहर तक खिला हुआ था, कहते हैं जोहर के बाद जिस वक्त आपका बराबर का भाई अब्बास इजाज़त लेके मैदान में गया है और फरात से पानी लेके वापस हो रहा था, और जिस वक्त तीर मशक सकीना को लगा है और गाजी के शाने कलम हुए हैं और सर पे गुर्ज लगा और गाजी घोड़े से जमीन पर आया, पर जैसे ही आवाज दिया आका, गुलाम ने अपने को कुर्बान कर दिया, कहते वो चेहरा जो खिला हुआ था एक मर्तबा उतर गया और इमाम कमर को पकड़े हुए मक्तल की तरफ चले। अलान इनकसरा जहरी, भैया अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई, राह चारों तदबीर मसदूद हो गई,
भाई के जनब करीब पहुंचे, देखा कि एक आंख में तीर, एक आंख में खून। अजादारो इमाम ने खून को साफ किया, तीर को निकाला। अजादारो आखिरी जियारत की और जनाब अब्बास की रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। इमाम ने अलम को लिया, खैमे का रुख किया, छोटे छोटे बच्चे दर खैमा के ऊपर मुंतजिर थे कि मेरा चचा आ रहा है। लेकिन अब जो अलम करीब आया तो बच्चों ने देखा कि अलम चचा के हाथ में नहीं बल्कि बाबा के हाथ में है। सकीना आगे बढ़ी, बाबा मेरा चचा कहाँ गया? इमाम ने सर को झुकाया, आलम को खैमे में लिटाया। बच्चों चचा का इंतजार न करना, तेरे चचा के शाने कलम हो गए। अब्बास फरात के किनारे हमेशा हमेशा के लिए सो गए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून बहक जहरा वाबीहा वबालेहा वबनीहा। बारे इला हमारे इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र नफाक को सरनिगू फरमा, दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान तशय्यो को जलील ख्वार और नीस को नाबूद फरमा। बारे इला जो मोमिन मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।